देहात पुलिस ने एक बड़ी घटना होने से बचाई। सिलेंडर में लगी आग को चतुराई के साथ बुझाया। दरअसल देहात थाने के सामने सरसई के पुरा पर हुकुम सिंह पुत्र गुरुदयाल सिंह की यहां घरेलू सिलेंडर में आग लग गई, तो मौके पर परिजन घबरा गए और परिजनों ने तुरंत देहात थाने में जाकर सूचना दी। तो वही देहात थाना उपनिरीक्षक रामचरण शर्मा ने तुरंत मामला संज्ञान में लेते हुए तुरंत आरक्षक सुभाष तोमर को भेजा। तो मौके पर आरक्षक सुभाष तोमर ने बड़ी सूझबूझ के साथ सिलेंडर को घर के कमरे से बाहर निकालकर गीला कपड़ा डालकर सिलेंडर के ऊपर डाला और सिलेंडर बुझाने के लिए बड़ी मशक्कत की और उसको डंडे से सीधा कर सिलेंडर का रेगुलेटर बंद कर सिलेंडर में लगी आग पर काबू पाया। वहीं एक बड़ी घटना होने से सिलेंडर फटने के भी चांस थे, तो ऐसे में आरक्षक सुभाष तोमर की बड़ी सराहनीय भूमिका रही। बड़ी सूझबूझ के साथ उन्होंने इस घटना को होने से बचाया। भिंड से देवेश चतुर्वेदी। एक घर में आग लगी थी, जब बड़ी बहादुरी के साथ आज सिलेंडर की आग बुझाई गई है, कहाँ का मामला है और कैसे आपको इवेंट मिला था? ये हमारे थाना देहात क्षेत्र का मामला है। थाना देहात के सामने वाली गली में करीबन थाना देहात से 300-400 मीटर की दूरी एक हुकुम सिंह पिता गुरुदयाल सिंह उनके घर पर खाना बनाते समय सिलेंडर में आग लग गई। तो दौड़ते हुए थाने पर आए और उनकी सहायता मांगी और मौके पर उपस्थित जो स्टाफ था उन्होंने फोन लगा के चर्चा की। मैंने उनको आप सत्ता वहाँ पर मौके पर पहुँचे तो थाने का स्टाफ जो है वो मौके पर पहुँचा और सभी पहले तो उपस्थित आरक्षक सुभाष तोमर उसको भी तत्काल मौके पर पहुँचे तो उसके द्वारा जो है बड़ी जनानी पहुँची। जी, आपके द्वारा आज एक बड़ी घटना को बचाया गया, आपने कैसे सूचना मिली और कैसे बचाई? मैं थाने पर ड्यूटी पर था, इतने में हमारे थाना प्रभारी साहब हैं श्रीमान रामचरण साहब, तो उन्होंने कहा सुभाष देखना ये व्यक्ति आए हुए हैं, बता रहे हैं कि घर में आग लगी, जाके देख लो क्या हुआ है। तो मैं तत्काल वहाँ दौड़ते हुए पहुँचा तो वहाँ देखा कि काफ़ी लोगों की भीड़ लगी हुई थी और एक सिलेंडर में आग लगी थी। तो वहाँ ऐसी स्थिति बन रही थी कि अगर तत्काल अगर सिलेंडर को अगर हम नहीं बुझाते तो उसमें शायद बड़ी घटना हो सकती थी और आसपास मकान भी थे, घनी बस्ती थी। तो ऐसी स्थिति में मुझ पर जो बना गया, जो मैंने YouTube वगैरह से देख के जो सीखा है, तो उसके आधार पर मैंने सिलेंडर को बुझा दिया।